वेलकम बैक टू वेब लर्निंग लैब। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एग्जिस्टिंग पोस्ट को कैसे एडिट कर सकते हैं जो कि हमने पहले पब्लिश कर दी हैं। ऑल पोस्ट स्क्रीन में हमें सारी प्रीवियस पोस्ट मिल जाएंगी जिन्हें हम टाइटल और डेट वाइज सॉर्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास कई सारी पोस्ट हैं तो हम यहाँ पर स्पेसिफिक पोस्ट को सर्च भी कर सकते हैं। स्क्रीन ऑप्शन से हम नंबर ऑफ पोस्ट पर पेज को चेंज कर सकते हैं और साथ ही आप कॉलम भी चूज कर सकते हैं जो भी आप लिस्ट में देखना चाहते हैं। आप पोस्ट व्यू को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास में दो व्यू मोड अवेलेबल हैं, लिस्ट व्यू और एक्सर्ट व्यू। एक्सर्ट व्यू में चेंज करने पर आप पोस्ट एक्सर्ट के साथ पोस्ट की लिस्ट को देख सकते हैं। किसी भी पोस्ट के ऊपर माउस होवर करने पर आप एक्शन लिंक्स देख सकते हैं जिनसे हम पोस्ट को एडिट, क्विक एडिट, डिलीट और व्यू कर सकते हैं। क्विक एडिट काफी यूजफुल और इजी इनलाइन एडिटिंग टूल है जिससे हम इंडिविजुअल पोस्ट की डिटेल को एडिट और चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर पोस्ट टाइटल, पोस्ट यूआरएल और पब्लिश डेट एंड टाइम को एडिट कर सकते हैं। आप किसी भी पोस्ट के लिए पासवर्ड सेट कर सकते हैं जिससे कि वही यूजर पोस्ट कंटेंट को एक्सेस कर पाता है जिसके पास पासवर्ड होता है। साथ ही आप पोस्ट को प्राइवेट भी कर सकते हैं जिससे पोस्ट केवल साइट एडमिन और एडिटर को ही दिखाई देती है। आप यहां से पोस्ट की कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं, साथ ही टैग भी ऐड कर सकते हैं और पोस्ट कमेंट और पिंग बैक को भी डिसेबल कर सकते हैं जिनके बारे में कि हम आने वाली वीडियोस में डिटेल से जानेंगे। यहां से आप पोस्ट स्टेटस भी चेंज कर सकते हैं। एंड फाइनली हम इस पोस्ट को स्टिकी बना सकते हैं जिससे यह पोस्ट हमारे ब्लॉग के टॉप में हमेशा विजिबल रहेगी चाहे हम इसके बाद कितनी भी न्यू पोस्ट पब्लिश कर दें। चेंजेस करने के बाद अपडेट बटन पर क्लिक कर दें ताकि आपने जो भी चेंजेस किए हैं वे पोस्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएं। जहां क्विक एडिट टूल पोस्ट की स्मॉल डिटेल में चेंज करने के काम आता है, बट अगर आपको मेन कंटेंट में चेंज करना है तो इसके लिए आपको एडिट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। एडिट लिंक के ऊपर क्लिक करने पर टेक्स्ट एडिटर ओपन हो जाता है और टेक्स्ट एडिटर को हम अपने प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं। टेक्स्ट एडिटर में एंटर होने के बाद आप पोस्ट के ऊपर कोई भी चेंज कर सकते हैं और फिर अपडेट बटन के ऊपर क्लिक कर दें जिससे कि पोस्ट चेंजेस सेव हो जाएं। आप मल्टीपल पोस्ट को एक बार में ही एडिट कर सकते हैं। फर्स्ट आप चेक बॉक्स की हेल्प से वे सारे पोस्ट सेलेक्ट कर लें जिन्हें आप एडिट करना चाहते हैं। फिर टॉप में बल्क एक्शन मेन्यू से एडिट ऑप्शन चूज कर लें, देन अप्लाई के ऊपर क्लिक कर दें। ग्रुप में से पोस्ट को रिमूव करने के लिए पोस्ट टाइटल के सामने क्रॉस आइकन पर क्लिक कर दें और यहां से आप सारी सिलेक्टेड पोस्ट की कैटेगरी एक बार में ही चेंज कर सकते हैं, साथ ही टैग्स, ऑथर नेम और अदर ऑप्शंस। और फिर अपडेट बटन के ऊपर क्लिक करके चेंजेस सेव कर लें और कैंसिल करने पर चेंजेस अप्लाई नहीं होंगे। ट्रैश लिंक के ऊपर क्लिक करने पर आप पोस्ट को डिलीट कर सकते हैं। अगर आपने बाय मिस्टेक पोस्ट डिलीट कर दी है तो आप इसे अंडू भी कर सकते हैं या फिर ट्रैश लिंक के ऊपर क्लिक करने पर आप यहां से पोस्ट को परमानेंटली डिलीट या रिस्टोर भी कर सकते हैं। सो अभी तक आपने सीखा कि ब्लॉग पोस्ट कैसे क्रिएट, एडिट और डिलीट कर सकते हैं, बट वर्डप्रेस कैन डू मच मोर देन जस्ट ब्लॉग पोस्ट। सो नेक्स्ट वीडियोस में हम पेज क्रिएट करना सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।